भिलाई 3 के पदुम नगर में भाजयुमो एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश को गंभीर बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन लगवाया, जिसमें नगर निगम भिलाई चरोदा के कर्मचारी, पशु चिकित्सालय के डॉक्टर एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसे लेकर पशु चिकित्सक एवं गौ रक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आज युवा मोर्चा, भारजुमो युवा मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से आज हम लोग लंफी वायरस का जो चल रहा है, अभी लंफी वायरस पूरे भारतवर्ष में और कई सारी गोवंश ख़त्म हो रही है, उसके लिए हम लोग आज लंफी वायरस का जो टीका है, वैक्सीन है, उसको आज हम लोग लगाना चालू किए हैं। आज से 100 गाय पर डे का हम लोगों ने टारगेट लेकर के चला है कि जितनी भी गोवंश है वो बच जाएँ और बीमारी ना हो इनको। इसके लिए हम लोग, हमको पशु चिकित्सालय से डॉक्टर भी उपलब्ध कराया गया है और साथ में नगर निगम का भी हमको सपोर्ट मिला है और हमारी पूरी टीम है। ये जो टीका है वो किस तरीके से अवेलेबल हो रहा है, किस तरीके से इसको अभी हम लोग अपने से परचेस कर रहे हैं और इसको लगवा रहे हैं अपने खर्चे पे। क्या कास्ट आ रही है टीके की? 1000 रुपये का है, 100 गायों को लग रहा है इसमें। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हैं नेतागण हैं, समाज सेवी हैं और जो मंच से गौ माता की जय बोलते हैं, वो लोगों को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इकट्ठा होइए और कम से कम गौवंश को बचाइए। गौ बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। गौ हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, हमको गाय बचाना है, हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम। मेरा नाम शुभम चिंचुलकर है, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के रूप में 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें एक हम लोग गौ सेवा के रूप में गौ को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये अभी जो लंपी वायरस फैलने वाला है सर हमारे ज़िले में, तो अच्छी बात है कि अभी यहाँ तक आया नहीं है केस। हम इसके प्री प्लानिंग के लिए डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उनको प्री वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं अरुण शर्मा, गांव सेवक, विश्व हिंदू परिषद। आज हम लंपी वायरस के वैक्सीन के लिए एक मुहिम चलाए हैं, जिसमें पर डे 100 गौ माता को वैक्सीनेशन करेंगे। ये वैक्सीन हम खुद परचेस करके नगर निगम के सहयोग और जो हमारे पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं उनके सहयोग से ये मुहिम चलाया जा रहा है। जय जय गौ माता। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, चरोदा भिलाई प्रखंड का बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। और ये सब प्रेरणा मेरे को मेरे बड़े भैया सलीन भैया और अरुण भैया और शुभम भैया सबके नेतृत्व में ये सब हो रहा है। मेरे को बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा वायरस फैला हुआ है, इस टाइप से हमको काम करना चाहिए। हम सभी ने मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किया और कर रहे हैं। ये एक्चुअल में स्किन डिसीज है जो संपूर्ण भारत में तो फैला बोलते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में या दुर्ग जिले में नहीं के बराबर है, क्योंकि पूरे भारत में फैला हुआ ऐसा सुनने में आ रहा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा